सो फ्रेंड्स, हमारे बीच में वरद मिलिंद कुलकर्णी जी बैठे हैं, जिन्होंने नवंबर 2020 में सीए इंटर का एग्जाम दिया, और जब पूरी दुनिया कोरोना से पैंडेमिक के कारण घर में बैठी थी, इन्होंने एग्जाम का चैलेंज लिया। और हैरानी की बात यह है कि सारे के सारे पेपर में इन्होंने एग्जेम्पशन सिक्योर किया। बहुत बहुत बधाई। तो आप ये सोच सकते हैं कि सीए डेफिनेटली एक टफेस्ट पेपर माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी थी वो बहुत अच्छी थी। कंपनीज इन जैसे स्टूडेंट्स को ढूंढती है ताकि वो अपनी कंपनीज की ग्रोथ भी इनके इंटेलेक्चुअल से कर सके। एफएमईको में खास तौर पर इनको बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, 76% मार्क्स इनको आए हैं। बस थोड़ा सा इनकी तबीयत खराब हो गई थी एग्जाम से पहले, नहीं तो इनकी जो प्रिपरेशन थी, जो इनकी जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी थी वो 100% की थी। तो ये हमेशा एक रहेगा मन में कि ये 100% वाले स्टूडेंट थे, लेकिन मैं चाहूंगा कि फाइनल लेवल पर ये अपनी जो कमी है वो पूरी करें, और फाइनल लेवल पर अपनी तबीयत को बिल्कुल तंदुरुस्त करके एग्जाम में बैठे और 100% सिक्योर करके दें। तो मैं जानना चाहता हूं कि एफएमईको में खास तौर पर फाइनेंस में आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ, क्लासेस आपको कैसी लगी, और आपने एक बच्चे से अपनी क्लासेस शुरू की थी, धीरे धीरे करके क्लासेस में अपने फ्रेंड्स बढ़ते गए और बहुत बड़ा बैच आपने बना दिया अपने सेंटर पे नासिक पे। तो ऐसा क्या रहा कि इतने अच्छे बैच आपने बना दिया, इतने बच्चों को आपने रिकमेंड किया, और आपने खुद कॉन्सेप्ट इतनी अच्छी क्लैरिटी अपने अपना पाई, तो प्लीज अपने बारे में बताएं ताकि दूसरे भी मोटिवेट हो। यस सर, मतलब सर आपकी रेफरेंस के लिए तो आदित्य जैन सर की जितनी तारीफ करो उतनी मतलब सच्ची कम है। मतलब सर ने एफएम इतना अच्छे से पढ़ाया था कि कभी कोई टेंशन ही नहीं आया वो पेपर का। तो मतलब ऐसा था कि हाँ उसमें एग्जाम्पशन तो पक्का ही आएगा, अगर सर जो भी सिखाते या सर के नोट्स जैसे भी सर ने जो लिख के दिए वो उस मैनर में फॉलो किए तो उसके लिए तो कभी टेंशन ही नहीं था। और फिर हमारा स्टार्ट क्लास टाइम वैल्यू ऑफ मनी से सर ने स्टार्ट किया था। सर उतना मतलब बहुत कुछ बताते थे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी सिखाते वक्त भी स्टॉक मार्केट के बारे में बताते थे, फिर करियर फाइनेंस के बारे में, फिर राकेश झुनझुनवाला सर वगैरह बहुत सारे नाम सर हमको मतलब वो फील्ड में इतना इंटरेस्ट सर ने डेवलप करके दिया कि मतलब कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे को एफएमई को सबसे ज्यादा पसंद आने वाला सब्जेक्ट होगा या मैं आगे सोचूंगा कि मैं फाइनेंस में कोई करियर के बारे में सोचूं ऐसा। तो ये सबका क्रेडिट तो आदित्य जैन सर को ही जाता है। उनकी क्लासेस अच्छी मतलब बहुत ही अच्छे क्लासेस है, अगर आप फॉलो करते हो जो सर बोलते हैं तो कभी कोई टेंशन आपको आएगा भी नहीं, और डाउट जो भी है सर सब क्लास में लिखवा के देते हैं नोट्स वगैरह, तो ऐसे ऐसा डाउट्स कभी भी नहीं आते। फिर सर की टेस्ट सीरीज भी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, और सर के हर लेक्चर में मोटिवेशन होता है स्टार्टिंग में भी और एंड में भी। तो लाइक कोरोना पैंडेमिक के वक्त में भी उनके यूट्यूब वीडियोज या सब सब देख के ही मोटिवेट होके मैं पढ़ाई को बैठता था। तो ये तबियत खराब होने वाला क्या चक्कर था ये एग्जाम से पहले? वो सर एक्चुअली ना EISSM के पेपर के बाद सिर थोड़ा दुख रहा था मेरा, बट नेक्स्ट डे फिर थोड़ा और बढ़ गया। फिर मैंने रात को मेडिसिन तो ले लिए थे, बट सुबह स्टार्टिंग मतलब जब उठा तब थोड़ा बुखार टाइप था, बट फिर मैंने दवाइयां ले ली तो वो कंट्रोल में था। बट उधर पेपर लिखते वक्त बहुत सिर दुखने लगा था, खांसी वगैरह आई थी, फिर उस सब में वो थोड़ा पेपर 10 मार्क का मेरा छूट गया ऐसा। अच्छा, और दस फिर मार्क का छूट भी गया? मतलब हाँ थोड़ा लिखना स्टार्ट और किया था मैंने, मेरे को आ भी रहा था। पूरा करके गए थे? हाँ रिविजन करके गया था मैं। फिर पेपर मतलब एंड ऑफ द पेपर मैं तो मतलब तब तो बहुत ही ये हो गया था, मैं घर पे आके इंजेक्शन लेके सो ही गया था डायरेक्ट, ऐसा हो गया था मतलब। अच्छा हाँ वही। फिर अगले फिर 2 दिन लगे मेरे को फिर ठीक हुआ, बट वो उसी वजह से थोड़ा पेपर रह गया, मतलब सब आ रहा था, मैंने लिखना स्टार्ट भी किया थोड़ा हुआ मेरा लिख के, वो 10 मार्क का वो सब था वो तो हुआ, बट और ये भी एक सबको शिक्षा लेनी है कि भैया अपनी तबियत का पूरा ख्याल रखे। आपने हाँ, तबियत का एग्जॉस्ट हो जाता है 8 वो, एक्चुअली एफएमईको में ये भी है ना लास्ट का होता है एकदम पेपर, 8वां नंबर है। हाँ, एकदम लास्ट। अभी मेरे एक स्टूडेंट से मैंने इंटरव्यू लिया, सी स्कोर 93 मार्क्स इन एफएमईको, 93 मतलब लास्ट पेपर में भी रहते रहते वो एक मतलब पूरा एकदम पॉजिटिव हाँ। रहना पड़ता है। नहीं हाँ वो सर मतलब वो है कि सेकेंड ग्रुप में SFM अकेला मतलब सब्जेक्ट है जिसमें लाइक वी कैन स्कोर इजीली 90+ तो कर ही सकते हैं, मतलब आपके क्लास की हो तो श्योर श्योर ही कर सकते हैं।
मेरे को बस ऐसा लगता है कि लास्ट पेपर रहने के कारण मेरा मेरे स्टूडेंट का 5 नंबर 10 नंबर कम हो ही जाता है, क्योंकि वो एग्जॉशन का भी एक मैटर रोल प्ले करता है। 93 marks आया वो स्टूडेंट का, तो सी वॉज लाइक कि मेरा 7 नंबर कटा कैसे, मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ। नहीं सर, वही मतलब वो एंड में होता है, वो थोड़ा मतलब लास्ट पेपर रहता है, बट डिपेंड मतलब अब मैंने तो सोच लिया था कि लास्ट पेपर है, चलो ये स्कोरिंग पेपर है अपने लिए, तो अपन इसको अच्छे से ही करेंगे एकदम, पर थोड़ी तबीयत डाउन हो गई इसलिए, वरना पूरा रिवाइज तो पूरा करके गया। फाइनल की उम्मीद बताइए, फाइनल की उम्मीद बताइए, अब फाइनल में आ गए, फाइनल उम्मीद बताइए। फाइनल में तो सर टारगेट है कि SFM में तो 100 लाने ही है, या एटलीस्ट 90+ तो कैसे भी करके SFM में ले ही आने, ये वो ना बात, वेरी गुड। और फिर आगे सोचा भी एक CFA वगैरह सा कुछ कर सकते हैं या वो साइड, क्योंकि मेरे को अब स्टॉक मार्केट में काफी इंटरेस्ट आने लगा है, मैं स्टॉक स्क्रीनिंग भी करता हूँ। बहुत अच्छा, कुछ कुछ मतलब ऐसे। हाँ तो वरद जी बहुत अच्छा, ये मजा आ गया, आपके पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई, उनको मेरे तरफ से प्रणाम कहिएगा, क्योंकि उनकी भी बहुत बड़ी खुशी है आपकी सक्सेस में, और उनके भी बहुत सेक्रीफाइसेस हैं। आई थिंक फाइनल लेवल में भी आपको उतना ही जज्बा दिखाना है, और फाइनल में एक बार हम फिर मिलेंगे, फिर इंटरव्यू लेंगे, तब तक के लिए पक्का सर, पक्का। वरद जी को देखिए, हर एक पेपर में एग्जेम्पशन लाना और FMECO में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देना, आई थिंक ये तभी मुमकिन है जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आप प्लीज कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, अगर कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तो प्रैक्टिकल अगर अच्छा होगा तो अपने आप आपको मार्क्स मिलेगा। सो थैंक यू वरद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।